स्टूडेंट हियर आई एम संगीता. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस ऑफ क्लास 6. लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड विद द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल डेफिनेशन एंड टर्म्स. हम लोगों ने लास्ट टाइम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के डेफिनेशन और उसके टर्म्स देख लिए थे, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, और उसको देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा. तो आज हम इरिवर्सिबल चेंजेस किस बेसिस पे होते हैं, उनका कारण क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे और आज ही हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा. नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग. अब इरिवर्सिबल चेंजेस जो है वो बहुत सारे वजह से होता है. जैसे कि अगर हमने फूड कुक किया हुआ है तो जो फूड ओरिजिनल स्टेट में था वो फिर से, मतलब अगर हमने उसको कुक कर दिया तो फिर से वो क्या ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है? तो इट इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ नोन एज एन इरिवर्सिबल चेंज. सो हीटिंग, अगर हम कोई भी चीज़ को हीटअप करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीटअप करते हैं, अगर उसका साइज, शेप या तो फिर उसका ऑब्जेक्ट ही अगर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए एक नए सब्सटेंस में, देन इट इज नोन एज टू बी एन इरिवर्सिबल चेंज. पर हाँ, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस अगर हीटअप हो या तो फिर उसमें कोई उसके कॉम्पोजिशन में उसका जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो देन इट इज नोन एज टू बी एन रिवर्सिबल चेंज. Now, some object simply get hot but no other changes take place. इधर देखो, एक example दिया है cup of tea. अगर हमने cup के अंदर गरम गरम hot अगर tea डाला हुआ है तो क्या होगा, क्या cup का shape जो है वो change हो जाएगा? इम्पॉसिबल है. सिर्फ और सिर्फ जो उसका आउटर सरफेस है वो हीटअप हो जाता है. तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस जो है वो उसमें आपको हॉटनेस दिखाई देगी, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन. ना सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड एक्सपांड. अब कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं जो एकदम हीटअप जो हो जाते हैं एंड देन वो एक्सपांड होने लगते हैं. एग्जाम्पल के साथ में अगर हम समझे तो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, तो ट्रैक्स के बीच में, दो ट्रैक्स के बीच में इतनी गैप्स प्रेजेंट होती है. सो ये गैप्स किस लिए रहती है? क्योंकि अगर वो समर सीजन में क्या हो जाते हैं, ये जो आयरन के जो रॉड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम हीटअप हो जाते हैं और एक्सपांड होने लग जाते हैं, और एक्सपांड होके वो दोनों जॉइंट हो जाते हैं. तो अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही अगर उसको जॉइंट करके रख दिया तो क्या होगा, सो या तो फिर जो रेल की ट्रैक्स है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, या तो फिर ट्रेन जो पटरी है वो उसमें से ही निकल जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ स्पेस बिटवीन द टू ट्रैक्स. ठीक है, दो रॉड के बीच में इसीलिए हमारे पास में स्पेस हमें प्रेजेंट रखना पड़ता है, ताकि क्या हो, समर सीजन में अगर जब ये हीटअप हो जाए तो एक्सपांड हो जाते हैं, तो एक्सपांड होने के बावजूद भी जो रेल ट्रैक्स है वो अपने पोजीशन से ना हिले. सो मेटल ऑन हीटिंग, अब एग्जांपल के साथ में हम समझ लेंगे कि मेटल्स ऑन हीटिंग गेट एक्सपेंशन एंड ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू ओरिजिनल साइज. अब जब मेटल को हीट प्रोवाइड होती है तो क्या होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं. और वही अगर हम कोल्ड अगर उसको ठंडा होने दे, एग्जाम्पल तो दैट इज़ आयरन. आयरन जब अगर हम लोगों ने ब्लैक स्मिथ को आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, आयरन को पहले गर्म करते हैं एंड देन उसके बाद में वो आयरन जो है वो एक्सपांड हो जाता है, और फिर उसके बाद अगर उनको कोई शेप देना हो तो उसको ठोक पीट कर हैमर से उसको शेप देते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर उसको ठंडा होने रख देते हैं, ताकि जो शेप उन्होंने दिया है वो, उसका जो फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है वो चेंज ना हो. सो दैट टाइप ऑफ इज नोन एज टू बी, अगर हमने कूलिंग प्रोवाइड की मेटल को तो क्या हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल स्टेट में वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न. कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो पूरी तरह से जल जाते हैं और पूरा ऐश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर से उनको ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना इम्पॉसिबल हो जाता है. एग्जाम्पल है दैट इज़ पेपर. पेपर को अगर आपने बर्न किया, हीट किया, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बर्न आउट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐशेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. और वही ऐशेस को अगर आप चाहें कि ओरिजिनल स्टेट में पेपर के फॉर्म में आ जाए तो नहीं आ सकता, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स चेंजेस देयर स्टेट. अब कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टेट चेंज करते हैं. स्टेट मतलब जैसे कि
आइस जो है, अगर जब हमने आइस को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में. वाटर को जब अगर हम हीट करते तो इसमें से क्या फॉर्म होता है? वेपर्स. वेपर्स को अगर फिर से अगर हम लोग क्या कर दें? कूल कर दें. दैट इज आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, उसमें क्या हो रहा था? वाटर जो है सब इवोपरेट होने के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद में ठंडी हवा दैट इज विंड ब्लो होती है, एकदम कूल विंड जो ब्लो होती है. सो वो विंड जब ब्लो होते हैं तो क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से गिरने चालू हो जाते हैं. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं. तो सेम अगर हम वाटर वेपर को क्या करें? कूल कर दें, तो इसमें से क्या फिर से फॉर्म हो जाएगा? वाटर फॉर्म हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट है हमारा चेंजेस अराउंड. चेंजेस कॉज बाय प्रेशर एंड फोर्स. प्रेशर मतलब दबाव देना. कोई भी चीज़ को अगर हम दबाव दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि मम्मी या रोटी बनाती हैं तो जब जो डो होता है उसको जब अगर वो प्रेशर देकर ही क्या करते हैं, उस रोटी को एकदम गोल शेप प्रोवाइड करते हैं, तो देन वो जो गोल शेप जो मिलता है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रेशर दे रहे हैं. प्रेशर देने के बाद ही वो जो रोटी है वो एकदम गोल गोल बनती है. तो दैट इज नोन एज बीन रोटी मेकिंग. दैट इज चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर एंड फोर्स. अगर हमने उसको प्रेशर दिया, फोर्स दिया, तब जाकर वो रोटी गोल बनी. नाउ ब्लोइंग एयर इन बलून. बलून में जब हम एयर प्रोवाइड करते हैं, एयर बलून को फुलाने के लिए हम एयर देते हैं, तो क्या करते हैं? जोर से उसको प्रेशर देना पड़ता है. सो एकदम दबाव देना पड़ता है कि हाँ फोर्सफुली एकदम हमने एयर प्रोवाइड की, तब जाकर क्या होगा? बलून स्वेल अप होगा. नाउ चेंज शेप ऑफ एनी मेटल. सेम मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल को जब अगर हम हीट देते हैं तो क्या होता है? वो एक्सपांड होता है, और एक्सपांड के बाद में अगर हम लोगों ने उसको कोई भी शेप में उसको कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या करेंगे? हैमर से, या तो फिर उसको उसके अंदर कारीगरी करेंगे, दैट इज ठोक पिट कर उसको कोई एक नया शेप दे देंगे. तो दैट इज नोन एज टू बी चेंजेस शेप ऑफ एनी मेटल. नाउ चेंजेस कॉज बाय डिजॉल्विंग. अब कोई कोई ऐसे चेंजेस होते हैं, अगर हमने किसी कोई भी सॉल्वेंट के साथ में उसको अगर डिजॉल्व किया सो क्या हो जाएगा? उसका पूरा स्टेट ही चेंज हो जाए. नाउ एग्जाम्पल है, सॉल्ट के साथ में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है. नमक वाला पानी दैट इज नमक, और हम लोगों ने वाटर को ऐड किया तो क्या मिला? सॉल्ट सोल्यूशन. वैसे ही सुगर और वाटर को अगर हम जब ऐड करते हैं तो वाटर के अंदर हम जब सुगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? हमें सुगर सोल्यूशन मिलता है. अब डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाए और वो उसका पता भी ना चले कि वो सब्सटेंस हमने उसके अंदर डिजॉल्व किया हो. तो मतलब डिसअपीयरेंस, मतलब वो दिखाई ना दे. तो डिसअपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड इज नोन एज टू बी डिजॉल्व. अब सल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस हमने लिक्विड के अंदर डाला है वही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं. द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड इन द लिक्विड. जो भी लिक्विड में हमने सब्सटेंस डाला है उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सल्यूट बोलेंगे. एंड हियर ये है सल्यूशन है हमारा, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म. जो भी प्रोडक्ट बन रहा है जब हम लोगों ने सब्सटेंस को लिक्विड के साथ में ऐड किया, सब्सटेंस को लिक्विड के साथ में ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है? सल्यूशन मिल रहा है. तो दिस इज अ सल्यूशन, करेक्ट इट. नाउ नोट डाउन, ये दो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं. जब भी अगर कभी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे सोल्यूशन में जब हमने सल्यूट अगर ऐड किया है तो अगर हम ज़्यादा अगर उसको अमाउंट में ऐड कर रहे हैं और देन एक लिमिट आ जाती है लिक्विड की, वो डिजॉल्व होना स्टॉप हो जाता है. तो वही अगर हमको उसको और डिजॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं? उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. हीट प्रोवाइड करने के बाद में वो जो सल्यूट है वो उसमें आराम से डिजॉल्व हो सकता है. आपने गुलाब जामुन खाए होंगे तो गुलाब जामुन के जो सिरप होता है दैट इज सुगर सोल्यूशन, वो कितना स्वीट होता है. सो वो जो सुगर सोल्यूशन किस तरीके से बनाती है मम्मी? घर पे एकदम कढ़ाई में देन वाटर देन सुगर ऐड करने के बाद में, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सुगर ऐड करने के बाद में वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है. एंड देन उसके बाद में अगर आप वही चीज़ अगर फ्रिज में रख दो तो क्या हो जाएगा? एक दिन में दैट इज वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फिर उसको कूल डाउन होने दो तो उसमें से क्या हो जाएगा? एकदम क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट कलर्स के आपको लेयर देखने को मिलेंगे. तो दैट इज नोन एज टू बी क्रिस्टलाइजेशन. वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. अगर कोई भी सब्सटेंस को हमने हीट किया और फिर उसके बाद उसको कूल डाउन होने दिया तो उसमें से क्या फॉर्म हो जाएगा? क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा. नाउ दूसरा नोट है हमारा, इट इज डिफरेंट
It is difficult to dissolve sugar in cold water compared to the hot water. Hot water के compare में cold water में अगर हम कोई भी sugar solution को add करते हैं तो बहुत difficulty होती है. Example, that is a lemon juice जब आप बनाते हो, that is sugar और वाटर निकाला, दैट इज कोल्ड वाटर में अगर आप शुगर को ऐड डिजॉल्व करना चाहो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है. और वही अगर आप नॉर्मल वाटर या तो फिर हॉट वाटर लो, उसमें अगर आपने शुगर डाला, उसको डिजॉल्व करना चाहो तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है. सो दिस इज अ डिफिकल्टी स्टेज इन विच कोल्ड वाटर में क्या होता है, शुगर सोल्यूशन बहुत लेट डिजॉल्व होता है. तो हियर वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर. थैंक यू, होप यू हैव लाइक्ड इट.